है गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी कैसे पता करें, फेसबुक आईडी से इंस्टाग्राम आईडी कैसे निकालें, मतलब कि फेसबुक आईडी से इंस्टाग्राम आईडी कैसे निकालें और इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखना, और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज़ यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी कैसे पता करें, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखना, और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है गाइज़, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। नेटवर्क इशू है गाइज़, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आने के बाद फिर बाद में आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट, अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो गाइज़ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग टू अनदर ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज़ इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट, मतलब कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को आपस में कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ से मेरे कनेक्ट है, तो गाइज़ यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको ये काम कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो क्लोज फ्रेंड की स्टोरी है, मतलब कि क्लोज फ्रेंड है ना, तो गाइज़ जिस बंदे की आईडी आप फेसबुक की देखना चाहते हो उसको यहाँ पर क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो उनकी स्टोरी में, जो भी मतलब कि इनकी आईडी को क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है, डन कर देना है। फिर बाद में यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मतलब कि फेसबुक ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा गाइज़, मतलब कि जिस बंदे या बंदी को मतलब आपने क्लोज फ्रेंड में ऐड कर रखा है उनकी जो मतलब कि फेसबुक चलाते हैं, तो गाइज़ उनको ये आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी आ जाएगी। ये यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना गाइस, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ये देख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।